तिहाड़ के पूर्व जेलर यानी डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही संदीप गोयल है जिन्हें कुछ वक्त पहले ही तिहाड़ के डीजी पद से हटाया गया था। अगर संदीप गोयल पर लगे इल्जाम सही पाए गए तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ये इल्जाम लगाया है कि उसने संदीप गोयल को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। पहले डीजी की कुर्सी से हटाए गए और अब सस्पेंड भी कर दिए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर के लगाए इल्जाम और जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तथा कथित खातिरदारी की कीमत चुकानी पड़ गई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुधवार को उन्हें सस्पेंड कर दिया। खास बात यह है कि उनके खिलाफ खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी की बनाई एक कमेटी ने जांच की थी और अब उन्हें उसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा गई है कि कमेटी को अपनी जांच में गोयल के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला है जिसके बाद एलजी ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आने वाले दिनों में गोयल के हिस्से में क्या लिखा है। अभी तो बात विभागीय कार्रवाई तक ही है, लेकिन क्या अब गोयल के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? असल में गोयल के खिलाफ तिहाड़ जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। सुकेश ने कहा था कि मंडोली जेल में अपनी सुरक्षा के लिए उसने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक इल्जाम था। गोयल पर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल में खास सुविधाएं मुहैया कराने का भी आरोप था। इसी मामले में पहले 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया और फिर 22 दिसंबर को संदीप गोयल का जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। इन कार्रवाइयों के बीच एक के बाद एक तिहाड़ जेल के कई वीडियोज सामने आ गए जिसमें सत्येंद्र जैन कथित तौर पर जेल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते नजर आए। हालांकि इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चलता है, लेकिन इसी बीच अब तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड किए जाने का ये ऑर्डर आ गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तमाम आरोप लगाए थे। शुरुआत में उनका ट्रांसफर किया गया और अब जाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना को दिल्ली पुलिस के इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब एक सीनियर आईपीएस अफसर को इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया हो। दरअसल ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब आईपीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हो, खासकर एजी एमयूटी कैडर के अधिकारियों पर, लेकिन इतने सीनियर अधिकारी को इस तरह से हटाने की घटना शायद ही हुई हो। कैमरन विनोद और अरविंद ओझा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।